सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक राजस तामस भाव तयाज्य क्यों है? जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ कर्तव्य कर्म है। कर्म है, कर्म है, यज्ञ कर्तव्य कर्म है। परंतु सात्विक राजस तामस, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरे की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं, किसान का लक्ष्य केवल बजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बजरी को प्राप्त करके करने के लिए वह खेतों को जल खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए, सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बजरी दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं है। महत्व बजरी दाने का है, बीज का है, पत्ती डंठल का नहीं है। डंठल का नहीं है क्योंकि आरंभ में भी बजरी रहती है और अंत में भी बजरी ही रहती है, यानी आरंभ में ही बीज है और अंत में भी बीज रहता है। बजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल बजरी से अलग ना होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूल अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं, मनुष्य को बांधने वाले हैं, मनुष्य को, ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत वेग पूर्वक संसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है, जैसे विष भी भगवान का रूप है पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे जहर भी भगवान का स्वरूप है पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे बजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बजरी नहीं है और बजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भाव में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है, नहीं है। संबंध भगवान ने पहले
भी था, मध्य भी रहेगा और अंत में भी रहेगा। सिर्फ बचे तो कौन? सिर्फ परमात्मा। परमात्मा स्वयं का स्वरूप स्वयं ही जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। परम तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि योगी श्री ऋषि कुल से, वंश से, ऋषि प्राशर ऋषि वशिष्ठ के वंश से, डीएनए ही हमारा ऋषि है। आपको यह ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, समस्त जीव समस्त आत्माओं इस ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करें, मनन करें, चिंतन करें, श्रद्धा और शबरी के साथ में, विश्वास के साथ में परम पिता परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी, उस परम ज्योति की आपको दर्शन होगा। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। जय सनातन आदि सनातन, जय सनातन आदि सनातन।